पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर रैली के दौरान हत्या का प्रयास किया गया। उक्त घटना में एक युवक की जहां जान चली गई, वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के पैरों में गोली लगी है। हालांकि इस दौरान एक साहसी युवक ने आरोपी के पिस्टल को पकड़ा, जिससे गोली सीने में ना लगकर पैर में लगी। वहीं भीड़ में आरोपी को भी पकड़ लिया। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने हत्या के लिए गोली चलाई थी। गनीमत रही कि गोली पैर में लगी। आइए सुनाते हैं हमलावर ने क्या कहा है। अच्छा, ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये सर, मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मार दूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर टैक लगा के शोर कर। नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसला किया या पहले? अचानक फैसला किया दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी।